हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 1955 का जो एक्ट है उसके एमसीक्यूज। डिटेल पार्ट अपलोड हो चुका है तो आप लोग पहले डिटेल पार्ट को देख लीजिए, देन इस वीडियोस को देखिए, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं, एमसीक्यूज कवर किए हैं। तो जब डिटेल्ड को पढ़ के आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो ज़्यादा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, फिर वीडियोज़ को देखें और वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोज़ को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए आज के वीडियोस में जो हम बात करेंगे वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका हम बात करेंगे 1955 की। ये एमसीक्यूज़ है, इसे मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ को मेंशन कर दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। बात करते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण पहले किस नाम से जाना जाता था। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पहले जाना जाता था आपका बी वाले से, ठीक है, अस्पष्टता निवारण या अस्पष्टता अपराध अधिनियम। कौन सा, बी या सी? तो इसका आंसर होना चाहिए अस्पष्टता अपराध, ब्रैकेट में अपराध था, ना कि निवारण, ठीक। तो अपराध अधिनियम डिटेल में आपने देखा होगा, तो इसका आंसर जो है सी वाला होगा। देखिए दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, तो अस्पष्टता निवारण नहीं है, अपराध वाला अधिनियम था पहले, अब इसका नाम कर दिया गया है सिविल अधिकार संरक्षण 1955, याद रखिएगा। अस्पर्शता ब्रैकेट में अपराध है, अधिनियम का नाम परिवर्तन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कौन से संशोधन द्वारा किया गया था, यानी कि किस संशोधन के द्वारा ये किया गया था। तो ये संशोधन जो है किया गया था 1976 के अंतर्गत अधिनियम क्रमांक 106 द्वारा दिनांक 19/11/1976 से इसका नाम जो है बदल दिया गया था। क्या रख दिया गया था? सिविल अधिकार संरक्षण 1955। तो ये बी वाला राइट आंसर है। डेट याद रखिएगा 19/11/1976 और क्रमांक 106। क्या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सीमित है? डैश, पहला ऑप्शन केवल हिंदुओं तक, केवल मुसलमानों तक, केवल ईसाइयों तक, किसी विशेष समुदाय या धर्म के लिए नहीं, मतलब सीमित है क्या? तो इसका जो आंसर है किसी भी विशेष समुदाय या धर्म के लिए ये नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संक्षेप में अधिनियम 1955 का विस्तार, ठीक, कहाँ पे है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पे है। सिर्फ 1989 का जो SC ST एक्ट है वो J&K में लागू नहीं होता है, ठीक। बाकी दोनों एक्ट 1955 और 1993, ये दोनों जो है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होते हैं, याद रखिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 प्रभावशील है संपूर्ण भारत में, देखिए संघ क्षेत्र में जम्मू एंड कश्मीर को राष्ट्र छोड़कर संपूर्ण भारत में, तो इसका भी आंसर जो होने वाला है क्या, संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम प्रवत्त हुआ, यानी कि कब प्रवत्त हुआ, तो ये जो हुआ आपका 1 जून 1955 से सिविल अधिकार जो है संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, 1 जून याद रखिएगा 1955। ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, सिर्फ आप 1 जून याद कर लें ऐसा नहीं, 1 जून 1956 भी है, 1 जून 1958 भी है, 61 भी है और 1 जून 1955 भी है। आप PSC का लेवल पहले जैसा नहीं रहा, एडवांस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संदर्भ में सिविल अधिकार है कोई भी अधिकार जो किसी व्यक्ति को अस्पर्शता को समाप्त करने के कारण निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो अनुच्छेद, जैसा कि सबको पता है कि 17 अनुच्छेद, अगर आपने डिटेल वीडियो देखा है तो आपको ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आप ऑलरेडी वहाँ पे मैं बता चुका हूँ डिटेल में, तो आप इसको क्रैक कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 17, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 17 है इसका आंसर। स्थान के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? गृह भवन और अन्य संरचना तथा परिसर, तंबू, यान और जलयान। स्थान के अंतर्गत उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर यही है कि स्थान के अंतर्गत उपरोक्त सभी जो है सम्मिलित हैं, यानी कि सभी तो सम्मिलित हैं ना स्थान के अंतर्गत, यान, जलयान, तंबू सब स्थान के अंतर्गत आते हैं।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अनुसूचित जाति का वही अर्थ है जो, वही अर्थ है जो मैंने बताया हुआ था कि इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में जो दिया गया है। तो इसका आंसर जो है ए वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक और चीज़ होना चाहिए कि 25 भी है, 24 और 25 दोनों में वर्णन किया गया है। सूर्य उपासकों के एक समूह द्वारा, यानी कि जो सूर्य की पूजा करते हैं एक समूह के द्वारा, अपना एक पृथक समुदाय बनाया गया है और उन्होंने अपनी उपासना हेतु एक स्थल को सुरक्षित किया है। व्यक्तियों के निम्न चार वर्गों में से किसी एक वर्ग के व्यक्तियों को और क्यों निवारित करने पर इन उपासकों में से कोई भी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का दोषी ठहराया जा सकेगा? बिल्कुल जा सकेगा। इसका आंसर होगा अन्य समुदायों के सभी व्यक्तियों के लिए। ठीक है, कोई भी समूह बना के आप किसी को रोक नहीं सकते उस स्थल पे जाने के लिए। हाँ, वो पर्सनली अगर आपका है, जैसे आपका घर, तो यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगी, लेकिन सार्वजनिक जगह को आप रोक नहीं सकते। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म के आधार पर निर्योगताओं को प्रवृत्त करने के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में है? तो किस धारा में है दंड का प्रावधान? तो दंड का प्रावधान जो है धारा 3 के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, मैंने बताया था 3 में। देखिए यहाँ पे धर्म के विरुद्ध धार्मिक चीज़ की बात कर रही है, त्रिदेव की बात की थी मैंने, त्रिदेव यानी देवता, तो ये क्या हो जाएगा, धार्मिक। यहाँ पे दंडनीय अपराध जो है आपका 3 के अंतर्गत आता है। 5 में जैसा कि मैंने बताया था हॉस्पिटल है, 4 में सामाजिक है, और 2 में तो परिभाषा है, तो 2 तो होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 विहित करती है। तो धारा 4 क्या, देखिए धार्मिक तो होगा नहीं, कि धार्मिक 3 में था, सामाजिक होगा, अभी मैंने बताया था चारों तरफ के लोग सामाजिक यानी 4, अस्पताल वाला 5 है आपका, और माल बेचने वाला 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए पहले आप डिटेल पार्ट को देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये धार्मिक को 3 कैसे बता दिया और अस्पताल को 5 कैसे बता दिया। जब डिटेल पार्ट को देख लोगे आप, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्योंकि मैंने वहाँ पर एक ट्रिक बताई हुई है, तो उससे आप इजीली आप इसको फाइंड कर लोगे। अस्पष्टता के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने पर, अस्पताल आदि के अंतर्गत क्या होगा, स्कूल भी आ जाएगा, शिक्षण संस्थान भी आ जाएंगे, जो भी होगा, तो इनकार करेंगे तो कहाँ, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 5। एक ऐसे स्कूल के प्राचार्य द्वारा कि जिसकी स्थापना समाज के एक वर्ग लाभ हेतु की गई है, किसी व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश की अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जाती कि वह अनुसूचित जाति का है। प्राचार्य द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्न प्रावधान में से निम्न प्रावधान के अधीन अपराध किस धारा के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा धारा 5 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल भी था और स्कूल भी था। ठीक, हॉस्पिटल और स्कूल, तो इसलिए स्कूल की बात आएगी तो 5 में आएगा, स्कूल और हॉस्पिटल दोनों की बात आएगी तो 5। यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी को माल बेचने या सेवा देने से इनकार करे तो वह दंडित किया जा सकता है। 1 मास और 6 मास का कारावास और 100 रुपये मैक्सिमम 500, 3 मास 6 मास से 1 वर्ष कितना, तो इसका आंसर होगा ए वाला, 1 से 6 मास तक या और 100 से 500 का जुर्माना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरणा करने पर कितना दंड दिया जा सकता है? ठीक है, तो दंड आपको पता है, इसका आंसर होगा दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपनिधि दंड, मतलब जो उस अपराध के लिए जो भी दंड दिया जाएगा, मतलब जो लिखा होगा उस एक्ट में, वो दंड उसको मिलेगा। निम्न प्राधिकारियों में से किसके द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10A किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना का अधिरोपण जो है वो बंधित करता है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरकारी चीज की बात हो रही है। इसमें जो मजिस्ट्रेट की बात थी, तो मजिस्ट्रेट अगर 3 माह तक का अगर उसको वो देना है सजा, तो मजिस्ट्रेट देगा, और 3 से ऊपर 6 माह तक का अगर देना है, तो वो आपका विशेष न्यायालय जो होगा आपका वो देगा। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, तो वो राज्य सरकार देगा, अगर वो राज्य का है। अगर केंद्र का होता, तो केंद्र सरकार उसको मतलब उसके जुर्माने या अधिरोपण उपसंधि जो भी है वो करते। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का या ए, निम्न से किस प्राधिकारी को किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण करता है? तो इसका आंसर क्या होगा, राज्य सरकार। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया।
जो कोई सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का पहले दोष सिद्ध हो चुकने पर किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण का पुनः दोष सिद्ध होता है, यानी कि दोबारा दोष सिद्ध होता है या तृतीय बार अपराध किया जाता है, तो उसको जो है कितने सजा देगी, कम से कम 6 महीने और उससे अधिक 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष से अधिक, इस टाइप से। तो इसका जो आंसर है वह कम से कम 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक दिया जाए। देखिए बता देता हूँ, 1 से 6 माह तक की सज़ा दी जाएगी पहले बार में, दूसरे बार अगर करता है तो 6 से 12 माह तक दी जाएगी सज़ा, तीसरे बार करता है तो 12 यानी कि 1 वर्ष से 2 वर्ष का दिया जाएगा, और इसमें दिया जाएगा 100 से 500 का जुर्माना, 6 से 12 वाले में दिया जाएगा 200 से 500 का जुर्माना, और 1 वर्ष से 2 वर्ष में दिया जाएगा 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना। तो ये है सार, अब इसमें से जो भी ऑप्शन आपको मैच करे वो आप लगा सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा अपराध से संबंधित है, न्यायालय द्वारा अपराध से जो संबंधित है वो है धारा आपकी 12, धारा 12 के अंदर जो है न्यायालय द्वारा उपधारण से संबंधित है धारा 12। बात करते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 14 का के लिए, यदि सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण दिया गया है, तो ये जो है उपरोक्त दोनों में दिया गया, केंद्र सरकार को भी दिया गया है और राज्य सरकार को भी दिया गया है। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई राज्य सरकार को दे दिया केंद्र को नहीं देंगे, इसलिए इसमें दोनों को देंगे, केंद्र और राज्य को। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अपराध संज्ञेय होगा, अपराध संक्षिप्त विचारणीय होंगे, अपराध असंज्ञेय होंगे, क्या होंगे? तो इसका जो आंसर है द है अ और वा, दोनों होंगे, यानी कि संज्ञेय भी हो सकते हैं और अपराध जो संक्षिप्त विचारणीय भी होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कोई व्यक्ति जिसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किन्हीं प्रावधानों के अधीन अपराध में दोषी ठहराया जाता है के संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, ठीक, तो 14 वर्ष से जो अधिक होगा उस पर लागू जो है नहीं होंगे, यानी कि ये कौन सा है 1958 एक्ट की बात कर रहा है, ये जो है 14 वर्ष से अधिक लोगों पर लागू नहीं होते हैं, ये इसका आंसर है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित आयु में से किस व्यक्तियों पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1950 जो लागू नहीं होगा, तो ये होगा आपका 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष से ऊपर वाले लोगों पे लागू नहीं होगा। तो डिटेल पार्ट को आप जरूर देखें, तब आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान लगेंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो नियम बनाने की शक्ति जो प्रदान की गई है वो केंद्रीय सरकार को की गई है, और संसद वगैरह जो है नियमों को चेंज भी कर सकता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि मैंने कवर किए हैं। डिटेल पार्ट देखने के बाद इस MCQs को आप लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को क्रैक कर पाएंगे, आंसर वगैरह आप देख पाएंगे। यहाँ पे www.facebook.com/scholarlight ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, यहाँ पे पेज को लाइक करें, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, ठीक है। चलिए तो MPPSC का एग्ज़ाम 10 फरवरी को है, तो मैंने तीनों एक्ट कवर कर दिए हैं आपके, तो आप उन तीनों एक्ट को देख सकते हैं, MPPSC के वीडियोस भी देख सकते हैं, डिटेल वाले वीडियोस भी डले हुए हैं, बहुत सारे वीडियो MPPSC के लगभग सभी मटेरियल इस पर डला हुआ है, तो आप देख पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए और एग्ज़ाम को आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।